नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। यहां पे दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है जिसपे महिला परिचालक के साथ छेड़खानी करने का जो है मामला सामने आया है, वो भी अपनी राजधानी लखनऊ में। यहां पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पे जो है महिला परिचालक के साथ SSI अनिल तिवारी है, वो अपना जो है चेकिंग के दौरान छेड़खानी का मामला आया है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि न्यूज में क्या चीजें निकल के आ रही, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसपे ये जो है आरोप लगे हैं जिन महिला के ऊपर। और ये भी मैं बता दूं कि वो महिला एक परिचालक है, जिसपे देखिए अनिल तिवारी ये एक SSI है संविदा पे। ये करते क्या है कि बस रुकवा के जबरदस्ती ब्लेम लगा के TWD लगाने की कोशिश करते हैं, और जो आपके यात्री उनसे जबरदस्ती फोर्स करके कहते हैं कि आप कहो कि हम वहां से चढ़े थे, जबकि यात्री वीडियो में 2-3 बार बोल चुके हैं कि हम यहीं से बैठे, लेकिन फिर भी फोर्स करके जबरदस्ती उसको प्रताड़ित किया जा रहा है महिला को। ये जो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ का मामला है, जो बिल्कुल राजधानी में लखनऊ में आप जो है औरतें और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, काम करने के लिए बाहर निकली हुई हैं, और ऐसे लोगों के सामने वो महिलाएं काम कैसे करेंगी जो दिन दहाड़े जो है आपका जो है छेड़खानी कर रहे हैं महिलाओं से, जो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको जो है दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। आप सभी लोग जो है आवाज उठाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले न्यूज। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महिला परिचालक का वरिष्ठ केंद्र प्रभारी पर अभद्रता का आरोप। जी हाँ, ये बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों SI अनिल तिवारी जो यहाँ पे दोस्तों आपके हैं, इनके द्वारा जो है महिला के साथ अभद्रता की गई, महिला परिचालक के साथ। यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काकोरी दुबग्गा से मोहनलालगंज जा रही सिटी बस में पुराने पारा थाने के पास टिकट चेकिंग हो रही थी। महिला परिचालक का आरोप है कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की। इसकी जानकारी होने पर डिपो के सैकड़ों बस चालकों व परिचालकों ने डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय घेराव किया और चक्का जाम कर दिया। इससे दोपहर बाद जो है सभी सिटी बसों का जो संचालन जो है प्रभावित रहा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुधवार को भी बसें यहाँ पे चलने पर संशय बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सभी वरिष्ठ केंद्र प्रभारियों को हटाने की मांग कर रहे थे, वहीं परिचालक ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व दुबग्गा पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार किया है। ऐसे में यहाँ पे दोस्तों मंगलवार की तरह बुधवार को भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सिटी बस UP 32 LN 9502 की संविदा परिचालक ने टिकट चेकिंग के दौरान वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अनिल तिवारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अनिल तिवारी के दोषी मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे MD ने दिए मामले की जाँच के आदेश। सिटी ट्रांसपोर्ट के MD RK त्रिपाठी ने आरोपी अनिल तिवारी को केंद्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग से संबंध कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिल तिवारी को चारबाग में सेवाएं देनी होंगी। वहीं चालकों और परिचालकों का कहना है कि निलंबन से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी अपडेट निकल के आ रही है। तो लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए नौकरी से, ऐसे लोग बने रहेंगे तो महिलाएं कैसे काम करेंगी। यहाँ पे देखिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय का किया घेराव, दोपहर बाद सिटी बसों का संचालन प्रभावित, यात्री परेशान। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, आवाज़ उठाइए, कमेंट करिए क्या ये सही हुआ, महिला के साथ चेकिंग के दौरान जबरदस्ती उसको फोर्स किया जा रहा। मैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगा जिसपे यात्री ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जी हाँ हम यहीं से बैठे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती दबाव बना के महिला को परेशान करता था। इससे पहले भी इससे रिलेटेड जो है घटनाएं सुनने कि अनिल तिवारी ऐसा करता है, ये परेशान करता है और जबरदस्ती उनसे जो है दबाव बनाता है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों महिलाओं को परेशान करता है। ये अपडेट दोस्तों आपकी जिला जो है लखनऊ की तरफ से निकल के आ रही है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट में आए, तुरंत बर्खास्त किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कैसे यहाँ पर उसका बढ़ावा कैसे दे पाएंगे, महिला ही सुरक्षित नहीं है, काम करने के लिए निकल रही है, ऐसे दरिंदे लोग अगर पड़े रहेंगे तो यहाँ पर महिलाएँ हमारे आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए इसमें आपका जो है वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो यहां पे वीडियो वायरल हो रहा है। सुनिए ड्राइवर साहब, एक मिनट आप भी सुनिए
क्या क्या मैं पैसेंजर से बातचीत नहीं करूंगा, पूछूंगा नहीं क्या? नहीं, पैसेंजर से मैं पूछूंगा नहीं क्या? नहीं, पैसेंजर से नहीं, आपकी बात सुनेंगे, पहले पैसेंजर से भी तो बात कर ले। आप सुनिए सुनिए, निरीक्षण नहीं, निरीक्षण के दौरान सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं, आप निरीक्षण का नहीं, आप नहीं, मैं पहले बात कर रहा हूँ तो तुम आप हमारा वीडियो बनाओगी? नहीं, तुमको पता नहीं है, आपने वीडियो नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाया सर, आप पैसेंजर पर, मैंने वीडियो बनाया, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी हम लोग, अरे तो मुझे तो चेक तो करने दे, ये तो चेकिंग कार में, तुम लोग अभी तीन बार बता चुके हो, आप बताओ पूछेंगे नहीं क्या? सुनिए ड्राइवर साहब, आप बताइए पूछेंगे नहीं क्या? तीन बार बताए है ना, फिर भी साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? समझना है नीचे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि न्यूज़ भी निकल के आ रही है और एक वीडियो छोटा सा जो है आपका जो हमारे तक पहुंचा है, पूरा वीडियो तो नहीं आ पाया क्योंकि कई पार्ट में वीडियो था, लेकिन एक किसी जो है पैसेंजर ने बनाया था वो वीडियो हमारे तक आया। और यहाँ पे जो अनिल तिवारी जबरदस्ती जोर जोर आवाज़ से दबाने की कोशिश की जा रही बराबर, जबकि यात्री कह रहे हैं कि हम यहीं से चढ़े हैं, लेकिन ये अभद्रता करता, छेड़खानी करता, महिलाओं के साथ जीवन यापन नहीं करने दे रहा है। इतनी अभद्रता, सोचिए कि दिन दहाड़े एक सिटी बस परिचालक के साथ छेड़खानी की गई, कितनी गलत चीज़ है ये, कितनी गलत चीज़ है, इसको बर्खास्त किया जाए। यहाँ पे ऐसे जो है दरिंदगों को सीधा सीधा नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसको सजा भी होनी चाहिए, सिर्फ इसका जो है स्थानांतरण से कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है, बिल्कुल आप कमेंट करिए, आप लोगों का जो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अभी नई भर्ती हो रही है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं, उसमें महिलाएँ भी शामिल हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका जो है जेंट्स भी शामिल है। महिलाएँ नौकरी करने क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनको जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही, तभी तो बस कंडक्टर की नौकरी कर रही हैं। नहीं, क्यों करें, इनको समझना चाहिए ऐसे लोगों को कि उनका और सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने के की बात छोड़िए, आप उनको दिन दहाड़े छेड़खानी कर रहे हैं उनके साथ, हैं वो किसी जो है छोटे कास्ट से होंगी तभी जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, क्यों भाई क्यों किया जा रहा है? वो एक महिला के साथ, क्योंकि एक महिला है, हैं बिल्कुल गलत है। अनिल तिवारी SSI को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, हमारी ये सभी की मांग है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मामला उतना ही गंभीर होगा और इस ऐसे लोगों को जो है तुरंत जो है बर्खास्ती की जाए नौकरी से। तो चलिए दोस्तों, अब यही वीडियो समाप्त करेंगे, जैसे कोई अपडेट निकल के आती है हम दूसरा वीडियो लेके हाजिर होंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।